सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा यादव आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यस बिल्कुल, कॉपर टी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर टी की डेफिनेशन, कॉपर टी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, कॉपर टी के क्या पार्ट्स होते हैं, एंड कॉपर टी का एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म क्या है, किस एक्शन पर ये काम करती है। और जो सेकंड वीडियो है, हम उस वीडियो में देखेंगे कि कॉपर टी के इंसर्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को कॉपर टी की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉपर टी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस विच कंटेन कॉपर यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्शन विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इट इज़ प्लेस्ड इन यूट्रस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉपर टी जो है वो एक इंट्रायूटराइन डिवाइस है जो कि कॉपर कंटेन करती है और बर्थ कंट्रोल में यूज़ की जाती है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन एज अ यूज़ की जा सकती है विद इन 5 days, एंड कॉपर टी को हम यूट्रस में प्लेस करते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉपर टी, कि कॉपर टी को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मेनली 4 एडवांटेजेस देखेंगे, जो कि पहला एडवांटेजेस है, इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव, यानी कि 98-99% जो है इसका सक्सेस रेट है ओवर 5 years ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज़। एंड सेकेंड वन इज़ एक्शन लास्ट फॉर 10 years इफ़ नॉट रिमूव्ड इन बिटवीन, एंड थर्ड वन इज़ ऑनसेट ऑफ एक्शन is immediate, and the last and fourth one is it is independent of sexual activity. तो चलिए अब पढ़ते हैं what are the types of copper tea. So there are mainly 4 types of copper tea. First one is copper tea 200, copper tea 380, a multi load copper 250, and fourth one is multi load 375. तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कॉपर टी। तो चलिए अब फटाफट से कॉपर टी के पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो कॉपर टी है ये है 375 वाली, तो हम इसी के पार्ट्स देख लेते हैं कॉपर टी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सॉरी, तो जैसे कि आप ही लोग ये देख रहे हैं, ये निकल गई है इससे बाहर ट्यूब से, ये है कॉपर टी पूरी। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, दिस इज़ द कॉपर टी, ये कॉपर टी का थ्रेड है, ये इसमें कॉपर वायर लगी हुई है, और ये जो है ये इसकी आर्म्स हैं। मैंने जो ये आर्म्स होती हैं ये जाके यूट्रस की जो वॉल है उसमें जाके अटैच हो जाती हैं, और ये कॉपर टी जो है वो कुछ तरीके से इसके अंदर होती है, मुझसे निकल गई है बाहर, ये इस तरीके से अंदर होती है और थ्रेड जो है इसका वो यहाँ से बाहर आ रहा होता है। तो ये है कॉपर टी। इस कॉपर टी में ये जो पोर्शन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये मूवेबल पोर्शन होता है, इसे कहते हैं फ्लैंज। और ये जो आपको वाइट कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब जो है इसे कहते हैं इंसर्शन ट्यूब। तो ये हो गए कॉपर टी के पार्ट्स। तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ कॉपर टी इंसर्शन क्या होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, एंड कॉपर इन द कॉपर टी एक्ट्स एज अ स्पर्मिसाइड विद इन
द यूट्रस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉपर टी के बारे में बहुत और भी कुछ जानेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, तभी मुझे पता चल पाएगा कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आप मेरी न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स पता कर सकें। थैंक यू सो मच।